श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 31 जुलाई 2019 का दिन है, सुबह के 11:08 हो रहे हैं और इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में, या मैं कहूं कि स्पेशली बजट के दिन के बाद से, निफ्टी में एक कॉन्टिन्यूअस गिरावट देखने के लिए मिली है, जिसके पीछे FII की सेलिंग बहुत बड़ा रीजन बताई जा रही है। जो एक सुपर रिच टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है और कुछ FPIs हैं, उनकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और इसी वजह से हमें ब्रॉड सेलिंग दिखाई दे रही है। ब्रॉड सेलिंग का मतलब होता है कि सेलिंग इज नॉट लिमिटेड टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, द सेलिंग इज देयर इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स कंप्राइजिंग निफ्टी एंड BSE सेंसेक्स। सो द थिंग इज कि ये जो सेलिंग है, ये ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है। आपके पास, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने इंडेक्स को वॉच करते हैं, हर जगह आपको बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। स्पेशली मैं अगर जुलाई जुलाई की बात करूं तो 1000 पॉइंट के करीब निफ्टी अपने टॉप लेवल से गिरावट दिखा चुका है। जो लाइफ टाइम हाई निफ्टी फ्यूचर ने बनाया था वो 12,100 के आसपास बनाया था और अभी निफ्टी जो है वो 11,050 के आसपास चल रहा है। निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आगे आने वाले समय में निफ्टी में क्या होना चाहिए, अगर हम कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं जो न्यूज पॉइंट्स हैं कि FIIs को लेकर क्या कंफ्यूजन है, क्या वो बजट में चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी जिसकी वजह से एक पैनिक दिखाई पड़ा और वो पैनिक ही मेन रीजन था कि ये ओवरऑल गिरावट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में या मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखने के लिए मिली। कुछ स्टॉक्स जो 70-80% गिर गए, वो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की वजह से गिरे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल भी बात करूं तो निफ्टी से कहीं ज्यादा गिरावट उनके पीयर्स में देखने के लिए मिली या जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनमें देखने के लिए मिली। खास तौर से जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा डेंट दिया है इस ओवरऑल गिरावट में। खास तौर से अगर PSU की बात करूं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया या आपका इलाहाबाद बैंक हो गया, इस तरह के जो बैंक्स हैं जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप PSU बैंक्स हैं, उनमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। यस बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी हमें गिरावट देखने के लिए मिली और वो अब कंसोलिडेशन फेज में मूव कर रहे हैं। यस बैंक की बात मैं एक सेपरेट वीडियो में करूंगा। तो निफ्टी में हम समझते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो ब्रेक हुए और जिसकी वजह से ये तेज गिरावट देखने के लिए मिली। दोस्तों, निफ्टी बहुत समय तक 500 के लेवल्स को होल्ड कर रहा था, 11,500 के लेवल्स को बहुत टाइम उसने रिस्पेक्ट किया। मैं अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो मार्च 2019 के बाद ये पहला वाकया है जब निफ्टी कैश ने 11,000 के नीचे के लेवल्स को टच किया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर मार्च, मतलब लगभग 6 महीने बाद, साढ़े तीन महीने बाद हम निफ्टी में ये लेवल्स आते हुए देख रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में निफ्टी नीचे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास है, वहां से हमें एक पुल बैक निफ्टी के अंदर दिख सकता है फर्दर गिरावट आने से पहले। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट सपोर्ट जोन आता है दोस्तों, वो आएगा 10,990 से 10,930, 10,990 to 10,930 will be the very important and first support level for Nifty that can be considered as a buying zone for a mild pullback till 11,360, 11,380. अब हमें यह समझना होगा कि ऊपर में 11,380 पहला और उसके बाद 11,520 दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। 11,520, 11,600, 11,360, 11,380 ये ऐसे लेवल्स हैं जो निफ्टी के लिए पुल बैक में तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कुछ क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से FIIs के लिए आते हुए दिखेगी। क्योंकि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम DIIs कहते हैं, उनकी बाइंग की फिगर ऐसे समय में मार्केट को कुशन देने के लिए आती तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा संबल
प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग जो है वो सेंटीमेंट बेस्ड सेलिंग होती है, और ज्यादातर जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं या जो भी छोटे खिलाड़ी हैं वो एफआईआईज की फिगर्स को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि व्हेन दे कम फॉर सेलिंग, उनकी सेलिंग भले उतनी बड़ी ना हो लेकिन वो ओवरऑल सेंटीमेंट को बिगाड़ देती है, जो कि अभी होता हुआ दिख रहा है। आने वाले कुछ दिन मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जिस तरह से बातें चल रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में 35A को रिवोक किया जा सकता है, दैट कैन बी अ डैम्पनर ऑन द मार्केट। सो ये कुछ चीजें हैं, वो एक मैंने फिर से कहा वो एक डिफरेंट है। अगर मैं केवल मार्केट पर्सपेक्टिव में बात करूं तो जो ओवरऑल न्यूज फ्लो है वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। बजट में ऐसे कुछ मेजर पॉजिटिव या स्टेबल साइंस देखने के लिए निफ्टी में नहीं, मतलब मार्केट के लिए नहीं मिले, और यही वजह थी कि वहां से जो क्यूज लिए हैं निफ्टी ने वो सारे नेगेटिव थे। अब जो बाउंस बैक की वजह है वो पॉजिटिव न्यूज नहीं, एक टेक्निकल पुल बैक है, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो होल्ड करना एक बार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, खास तौर से जब 1000 पॉइंट 10% की गिरावट एक महीने में देखने के लिए मिली। नीचे जो फर्स्ट सपोर्ट मैंने आपको बताया 10,930-920 से 990 के बीच में आएगा, उसके बाद जो सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट होगा वो 610 से 520 के बीच में आएगा। ये दो सपोर्ट्स अपने दिल में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, उनको लिख के रख लीजिए। उसके नीचे अगर मार्केट टूट जाती है 10,500 के नीचे और सस्टेन करती है तो फिर हमें एक बार के लिए 10,100 और 9,900 के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, उनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। कोई भी बाइंग पोजिशन आंख बंद करके मत लीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में बाय करिए, ताकि अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने लगे, अपोजिट जाने लगे, तो हम कम से कम वहां पर अपने आप को एक स्टॉप लॉस या एक स्मॉल लॉस के साथ सेफ गार्ड कर सकें। तो अगर मेरा आप व्यू पॉइंट पूछेंगे तो मैं यहां पर सेलिंग के लिए नहीं बोलूंगा, मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि फ्रेश सेलिंग एंटर करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस निफ्टी अपने सपोर्ट्स को तोड़कर वहां पर सस्टेन करे। और अगर आपको बाय करना है तो मैंने ये जोन्स आपको बताए हैं 10,920, 10,990, नीचे में 10,610, 10,520, यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं और पुल बैक में प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। ऊपर में जो लेवल्स हैं जिनको तोड़ना मुश्किल होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 11,360, 11,380, 90, उसके ऊपर अगर हम जाएं तो 11,520 to 11,600, ये लेवल ऊपर में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लेवल पहले मिले आप उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कोई भी अगर अपडेट होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा, कौन से वो न्यूज फ्लोज हैं जो बजट में आए और जिनकी वजह से ये 1000 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। जो 35A जो आर्टिकल रिवोक होने की बात चल रही है जम्मू कश्मीर में, क्या उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अगर पड़ेगा मार्केट पे तो वो क्या पड़ेगा, हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे के वीडियोज में। यस बैंक के बारे में बात करेंगे, ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, एक वीडियो में हम इसे भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए या एक 15-20% की गिरावट का फिर से वेट करना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी अगर निगेटिव होती है तो ये स्टॉक्स उनको उनके साथ चलेंगे, निफ्टी के साथ चलेंगे, या हमें थोड़ा बहुत रेजिलियंस देखने के लिए मिलेगा जैसे पिछले कुछ दिनों में हमें यस बैंक के अंदर देखने के लिए मिला। 1000 पॉइंट गिरने के बाद भी यस बैंक ने लगभग एक लेवल में कंसोलिडेट किया है, जिसका लो 80 रुपीज के आसपास रहा है और हाई 100 रुपीज के आसपास रहा है। ये 20 रुपए में बहुत ही स्मार्टली यस बैंक ने कंसोलिडेट किया और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके इसमें पैसा बनाया है। तो इस तरह के कुछ अपॉर्चुनिटीज हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊं, जो भी डिटेल्ड एडवाइस मैं आपको दूं, वो सब आपको डायरेक्ट वीडियोस के माध्यम से ऑन टाइम मिले, ताकि आप उस पर एक्ट करके कुछ पैसा बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे फिट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस इन लाइफ, बिकॉज द चैलेंजेस विल ब्रिंग आउट द ट्रू आउट ऑफ यू. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम.